1967 में इसको आइडेंटिफाई किया गया कुछ लोगों ने। और फाइनली इस 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ मैं किसी बिजली पानी या गवर्नेंस के इश्यूज़ को लेकर नहीं करने जा रहा हूं। आज का इंकिशाफ एक ऐसा इंकिशाफ है जो कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आपने सुनी होगी, पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताबों में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात आपने सुनी होगी। ऐसी और एक सिविलाइजेशन इसी इंडस वैली में इस जगह पे खड़ा मैं हूँ, उसको बोलते हैं डोलोवेरा। ये इंकिशाफ भी है, इंफॉर्मेशन भी है उन लोगों के लिए जिनको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इस इलाके को 1967 में इसको आइडेंटिफाई किया गया कुछ लोगों ने। बाद में जो है 2005 से लेकर 2010 तक इसकी एक्सकेवेशन हुई और फाइनली इस 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। डोलावीरा जो है ये तकरीबन गुजरात की जो कैपिटल सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर यहाँ तक तकरीबन इट्स अराउंड 500 किलोमीटर्स, और गुजरात का जो कच्छ एरिया है उसकी जो सिटी है मेन भुज से लेकर यहाँ तक इट्स तकरीबन ये 150 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। पहले आपको खावड़ा आना पड़ेगा, भुज से खावड़ा तकरीबन इट्स अराउंड 60 किलोमीटर, फिर वहाँ से 50 किलोमीटर, बिल्कुल समंदर के बीच में रास्ता है। ये एक आइलैंड हुआ करता था उस ज़माने में ये, और इसी आइलैंड में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, बट ये किसी आम लोगों को पता नहीं है। 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन और इतनी डेवलप्ड उस ज़माने में, इनका वाटर का सिस्टम कैसा था, वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम कैसा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कैसा था, अपने विजुअल्स में आप देख रहे हैं छोटे छोटे तालाब इन्होंने बनाए। ये भी एक तालाब है, यहाँ देखिए यहाँ पे स्टेप्स है, तकरीबन 30 स्टेप्स है, और बिल्कुल रेन वाटर इनको हार्वेस्ट करके चैनल्स के जरिए इस तालाब में आ जाता था। फिर यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे बस्ती थी, फिर और एक तालाब उस साइड में है, और एक तालाब उस साइड में है, उसके बाद इनके पास कुएं थे, कुओं से फिर पानी आता था पीने के लिए, एक क्या बोल बड़ा होज बनाया था, फिर दूसरा होज था वहां पे नहाते थे। ये 5,000 साल पहले से रस्सी से पानी सींच के और इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, तो इधर जो होल है, अच्छा अच्छा यहाँ पे नीचे होल है, इसमें होल है, वो चैनल अंदर अंदर चैनल लगा के फिर ये आगे देखे यहाँ पे निकलता था, इधर जो होल है वो ज्यादा पीने के लिए, अच्छा यहाँ पीने के लिए और वहाँ नहाने के लिए जाता था ना, और उसमें ये कुएं से पानी निकाला जाता था, यहाँ से उसको नीचे फेंका जाता था, अंदर इसमें चैनल्स बनी थी, देखे क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, फिर यहाँ से वो निकलता था और यहाँ पे उससे निकल के यहाँ पे जमा होता था वो पीने के लिए, नीचे फिल्टर होता, और फिर आगे दूसरे चैनल से पानी निकलता था नीचे और यहाँ पे जाता था और यहाँ पे लोग नहाते थे। अब देख सकते हैं इसमें स्टेप्स भी हैं, इसमें नहाते थे लोग। ये इंकिशाफ भी है, इंफॉर्मेशन भी है उन लोगों के लिए जिनको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इस इलाके को 1967 में इसको आइडेंटिफाई किया गया कुछ लोगों ने। बाद में जो है 2005 से लेकर 2010 तक इसकी एक्सकेवेशन हुई और फाइनली इस 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। तो आप अंदाजा कीजिए 5,000 साल पहले ये लोग कितने सिविलाइज्ड थे, सैनिटेशन का प्रोग्राम इनके पास था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इनके पास प्रोग्राम था, उस जमाने में इनके पास लेबोरेटरीज हुआ करती थी, उस जमाने में पानी को बिल्कुल नहाने के लिए इनके पास तालाब हुआ करते थे, नहाने का सिस्टम अलग था, पीने का पानी सिस्टम अलग था। ये वैसी सिविलाइजेशन नहीं थी कि जो कहीं पे जंगलों में रहते थे, वहां पे जंगली जानवरों का शिकार करते थे फिर खाते थे, नहीं, दे वर सिविलाइज्ड पीपल। बट बदकिस्मती से जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने खाली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात सुनी होगी, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है उसकी सिविलाइजेशन की बात सुनी होगी, इस डोलावीरा सिविलाइजेशन की उन्होंने बात नहीं सुनी होगी। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस
हवाले से इंफॉर्मेशन भी दूं, इंकशाफ भी करूं, क्योंकि ये इलाका भी बिल्कुल सिंध वैली का ही हिस्सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है, बिल्कुल ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है। फिर बॉर्डर के पार यहाँ से 40 किलोमीटर बॉर्डर है, उसके बाद पाकिस्तान का सिंध इलाका पड़ता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पे हुआ करती थी और यहाँ पे डोलावीरा सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज़।